यूक्रेन की सेना ने निप्रो में रशियन कमांड पोस्ट पर विध्वंसक हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस का T-80U तबाह। बाखमुट में यूक्रेन की एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी सेना के काफिले पर हमला बोला। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी सेना के जवान भागते दिखे। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड में 4 मिसाइल अटैक किए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 4 मिसाइलों को हवा में नाकाम किया। वोलोडिमीर में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त जंग। यूक्रेन की मोर्टार ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना पर बमबारी की। यूक्रेन के बैटलफील्ड में K-52 हेलीकॉप्टर का एक्शन। रूसी अटैक हेलीकॉप्टर ने बारूदी बौछार करके यूक्रेनी ठिकानों को दहलाया। यूक्रेन को क्रेमलिन ने दी फाइनल वार्निंग। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा क्रेमलिन के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके। मारियोपोल, सुमी, खेरसोन में धमाके हुए। रूस का रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। ग्रैड्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस का अटैक। जंग के मैदान में यूक्रेनी फोर्स का जबरदस्त एक्शन। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी ठिकानों पर भीषण हमला किया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बेलगोरोड पर यूक्रेन ने की मिसाइल स्ट्राइक। बेलगोरोड हमले के दौरान लोगों ने सुने कई धमाके। रूस पर टैंक से बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। यूक्रेनी सेना जल्द पूरा करेगी लेपर्ड 2 टैंक की ट्रेनिंग। अमेरिकी फौज से ब्रैडली की ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेनी सैनिक। पश्चिम के टैंकों से रूस को टारगेट करेगी यूक्रेनी सेना। जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों की बड़े स्तर पर ट्रेनिंग जारी। एक साथ ब्रैडली M113 आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर की ट्रेनिंग। यूक्रेनी सेना को आमने सामने के युद्ध की ट्रेनिंग। स्नाइपर राइफल से टारगेट शूटिंग की ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के SV-98 और SVD स्नाइपर राइफल से ट्रेनिंग। स्वीडिश PV-1110 रिकोलिस गन्स से यूक्रेन का अभ्यास। 2022 में हथियारों के आयात निर्यात पर सिप्री की रिपोर्ट। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना यूक्रेन। कतर और भारत के बाद यूक्रेन खरीद रहा सबसे ज्यादा हथियार। यूक्रेन को हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा निर्यातक देश है अमेरिका। रूस का यूक्रेन से सबसे विध्वंसक बदला। यूक्रेन को रूस ने थर्माइट बॉम्ब से दहलाया। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। आर्टिलरी के जरिए रूसी ठिकानों को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। बाखमुट में जारी भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की का दावा 1 हफ्ते में 1100 रूसी सैनिकों की मौत। बाखमुट में वैगनर ग्रुप के पास हथियारों की कमी। हथियारों की कमी के चलते मुश्किल में वैगनर लड़ाके। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अगले हफ्ते पुतिन जिनपिंग की होगी मुलाकात। अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जा सकते हैं जिनपिंग। मॉस्को दौरे के बाद ज़ेलेंस्की से बात कर सकते हैं जिनपिंग। बाखमुट को बचाने के लिए यूक्रेन ने तेज कर दिए हमले। रूसी ठिकाने पर BMP इन्फेंट्री व्हीकल से हमला। रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करता दिखा यूक्रेनी जवान। ओबेशपाल हत्याकांड में फरार शूटर्स की तलाश तेज। अतीक के बेटे असद समेत 5 आरोपी पर 5-5 लाख का इनाम घोषित। CBI कोर्ट ने राज्यपाल की पत्नी पूजा को स्थायी सुरक्षा देने का दिया आदेश। पूजा पाल की ओर से सुरक्षा के लिए दाखिल की गई थी अर्जी। अतीक का एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में अतीक अहमद अशरफ हरवारा नाम के एक शख्स को पिटवाने की धमकी दे रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से दाखिल हुई हाईकोर्ट में याचिका। गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग। उमेश पाल और उसके दोनों सरकारी गनर की हत्या के मामले में ADG प्रशांत कुमार का बयान। जल्द ही सभी अपराधी किए जाएंगे गिरफ्तार। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर संसद में संग्राम। बीजेपी ने कहा माफी मांगे राहुल गांधी। लंदन में दिए गए बयान को लेकर बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें। विशेषाधिकार समिति ले सकती है संज्ञान। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। रक्षा मंत्री के बयान को हटाने की मांग की। संसद में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की तैयारी। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं की बैठक। आज PM मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की बड़ी बैठक। मीटिंग में पार्टी के सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। बोले UPA सरकार में लालू के पॉकेट में रहते थे PM। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया बजट। 1,18,500 करोड़ का बजट पेश किया। अडानी मामले में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का लोकसभा में जवाब। आरोपों की जांच कर रहा है सीबी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका। पूर्व मंत्री सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई शिंदे गुट में शामिल। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार। बोले अंबेडकर ने संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया। अलवर में कांग्रेस जिला प्रमुख की गाड़ी को टक्कर मारने व्यापारी को पड़ा भारी। बलवीर छिल्लर ने पुलिस के सामने की मारपीट।
महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोरवेल में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बच्चे का शव। भ्रष्टाचार पर सीबीआई की 5 राज्यों में बड़ी कार्रवाई, रेड क्रॉस की शाखाओं में शुरू की जांच। तमिलनाडु के मदुरे में स्पेयर पार्ट्स के पुराने गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर आग पर पाया काबू। बिहार के जमुई में अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी के साथ अश्लील हरकत, फोन पर बात कर रही थी महिला को युवक ने किस किया। दिल्ली के हरिनगर में नाबालिग लड़की के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, युवती का आरोप लड़कियों ने गलत मामले में फंसाने की दी थी धमकी। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर की 2 दुकानों में भीषण आग से अफरा तफरी, आग से लाखों का सामान जलकर खाक। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 बच्चे समेत 5 लोग घायल। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, कुछ देर में जलकर राख हुई कार। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।